इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के दिव्य ध्वनि का वर्णन समवसरण में विशेष रूप से यहाँ पर किया जा रहा है। दिव्य ध्वनि कितने समय तक खिरती है, कौन कौन सी वेलाओं में खिरती है, इसका वर्णन सुनने के बाद उस दिव्य ध्वनि का एक और कुछ अतिशय होता है जो आगे 65 नंबर के काव्य में कहा जा रहा है। कंठोष्ट तालु पवनादि निमित्त शून्या, कंठोष्ट तालु पवनादि निमित्त शून्या, पानीय पूर्ण घन घटन गर्जनेव, योजनैक परिमाण तथा गभीरा, योजनैक परिमाण तथा गभीरा, सा दृष्टि मोहरि पुनाश करी प्रभो वा, दृष्टि मोहरि पुनाश करी प्रभो वा, कंठ ओठ तालु आदि के कारण बिन ही खिरती है, नीर भरे मेघों की गर्जन जानब में सुन लगती है, जो एक योजन तक विस्तृत हो सुनने में गंभीर लगे, दृष्टि मोहर पुनाशनकारी प्रभुवाणी सुन पीर भगे। यह दिव्य वाणी का अतिशय है। प्रभो वाक, वाक माने होता है वाणी, वचन। भगवान के जो वाणी है, वचन है, वह दिव्य इसीलिए कहलाती है क्योंकि जैसे सामान्य लोगों की वाणी खिरती है वैसा प्रभु की वाणी नहीं खिरती। सामान्य वाणी में और दिव्य ध्वनि में जो अंतर हैं वो आप इन काव्यों को पढ़ करके समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ी धारणा जो समाज में प्रचलित रहती है कि प्रभु की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्म जात ही ये धारणा बना करके जीवित रहते हैं। इस तरह की जो धारणा है वो धारणा का कोई भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता। सर्वांग से कभी भी दिव्य ध्वनि नहीं हो सकती। दिव्य आभा सर्वांग से हो सकती है लेकिन दिव्य ध्वनि कभी सर्वांग से नहीं हो सकती।
क्योंकि ध्वनि वास्तव में वचन रूप है, उसको आचार्यों ने वाणी कहा है, वचन की चेष्टा कहा है, और वचन कभी भी मुख के अलावा और कहीं से नहीं निकलते। तो भगवान की वाणी को सर्वांग में खिरने की जो धारणा है, ये मुझे ज्ञात नहीं होता कहाँ से आई है और किस तरह से चल रही है, लेकिन अपने दिमाग में कभी भी ये बात बैठी नहीं कि भगवान की वाणी सर्वांग से कैसे खिर सकती है। वाणी का संबंध कंठ, ओठ, तालु, मुख के जो अवयव हैं उन्हीं से होता है। यह जो विशेषता है भगवान की वाणी की कि कंठोष्ठ तालु पवनादि निमित्त शून्य, यानी वाणी खिरे लेकिन फिर भी कंठ में कोई जोर ना पड़े, हृदय पर कोई जोर ना दिखाई दे, तालु भी हिले ना, ओष्ठ भी हिले ना और वाणी खिर जाए, ये तो ठीक है, ये उसकी दिव्यता है, ये उसका अतिशय है। लेकिन वह वाणी खिरेगी तो वह मुख से ही खिरेगी, वचन मुख से ही निकलते हैं, ये उस वाणी का अतिशय है कि वह वाणी गंभीर होती है। जैसे यहाँ लिखा है, नीर भरे मेघों की गर्जन ज्यों नभ सुन में लगती है, नभ में सुन लगती है, यानी जैसे आकाश में बड़े बड़े मेघों की गर्जना होती है, ऐसी गर्जना की तरह वह दिव्य वाणी गर्जित होती हुई सुनाई पड़ती है, गंभीर होती है, मधुर होती है, अत्यंत मनोहर होती है, मन का हरण करने वाली वह वाणी होती है। सभी प्रकार के जो वाणी के दोष होते हैं उन कलंकों से रहित होती है, सबकी कल्याणकारी होती है। कंठ, ओष्ठ, तालु आदि वचन उत्पत्ति के जो निमित्त कारण होते हैं उनसे रहित होती है, ये बताया गया। यानी यह उस वाणी का अतिशय है कि उस वाणी में कंठ, ओठ, तालु आदि कुछ भी हिलेंगे नहीं, लेकिन वह सब वहीं से स्पर्शित होते हुए मुख से वो वचन निकलेंगे। यह दिव्य वाणी की विशेषता है जिसमें किसी भी तरह से उन्हें श्वास लेने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। जैसे अपन लगातार कितना लंबा वाक्य बोल सकते हैं, बिना सांस लिए अपन कितना बोल सकते हैं लगातार, अपने को बीच बीच में सांस लेनी पड़ती है, आपको पता नहीं पड़ता है वो ले ली जाती है, और वह सांस लेते हुए भी दिखाई पड़ता है, खुद में महसूस होता है कि हम अब सांस ले रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो फिर भाई कहना पड़ता है थोड़ा सा सांस लेने का समय तो दो। तो सांस लिए बिना पवन का रोध होता है, जिसे हम कहते हैं वायु को रोकना भी होता है और वायु को छोड़ना भी होता है, क्योंकि शब्द जो बनते हैं वो वायु के रुकने से बनते हैं, कंठ से, हृदय से ये वो शब्दों की उत्पत्ति होती है, तो वो वायु का ही एक कंप्रेशन होता है और उसी के माध्यम से वो शब्द आगे निकलते बनते हुए चले जाते हैं। इस तरह से यह जो शब्द बनने की प्रक्रिया में शरीर के अंग उपांगों में जो मेहनत लगती है, ये मेहनत प्रभु के लिए नहीं होती, ये उनकी उस दिव्य वाणी का अतिशय समझना चाहिए। ना उनकी कभी बोलते बोलते सांस फूलेगी, अब दो घंटे तक भी उनकी दिव्य ध्वनि चलेगी तो एक सेकंड के लिए भी आप उसको महसूस नहीं करोगे कि वो कहीं रुक गई, जैसे मैं इतनी देर रुक गया, ये ब्रेक ले लिया हमने, इतना भी वह रुकेगी नहीं, वो निरंतर झरती रहेगी और फिर भी उनकी कभी सांस फूलेगी नहीं। एकदम से दो घंटे बाद हाँ अब बहुत हो गया ऐसे भी नहीं करेंगे, समझ आ रहा है, कोई फिर दो घंटे बाद अच्छी गहरी सांस लेने के लिए अलग से वो पेट फुलाएं, ये सब नहीं होता, यही उनकी दिव्य वाणी का अतिशय कहलाता है। तो ये समझना चाहिए कि उनकी वाणी को मुख के द्वारा निस्सृत समझना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ के मंगलाचरण में ये बात बहुत अच्छे ढंग से लिखी है, समझ में आ रहा है, आप लोगों को रेफरेंस सहित बताना पड़ता है। इंद सद वंदियाणम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्काणम
अंतातीत गुणाणम लमोचिणाणम जिद भवाणम, ये मंगलाचरण है पंचास्ती गायों का। इसी में वो कहते हैं कि जो सैकड़ों इंद्रों से वंदित हैं, इंद्र सद वंदियाणम तिहुवर्ण हिद मधुर विसद वक्काणम, वक्काणम माने जिनके वाक्य जिनके वचन तीन लोक में त्रिभुवन हिद मधुर हितकारी और मधुर जिनके वचन हैं। तो वचन कहां से उत्पन्न होंगे? सर्वांग से कभी वचन उत्पन्न नहीं होते हैं। वचन का एकमात्र साधन क्या है? मुख, रसना इंद्री का आलंबन। ये बात अलग है कि उनकी रसना इंद्री हिले ना, लेकिन वचन तो मुख से ही निस्रत होंगे। तो यही उनकी वाणी की विशेषता है। तो उनकी वाणी वचनात्मक होती है, ध्वन्यात्मक होती है, और उस ध्वनि में अक्षर भी हैं और निरक्षर भी हैं। इसका उल्लेख कल भी किया था, आज भी थोड़ा सा हो सकता है। वह वाणी की जो अतिशयता है वो आपको याद रखनी चाहिए। और वह वाणी में सब प्रकार के तत्वों का निरूपण हो रहा है, तरह तरह के श्रोता बैठे हैं, उन सब श्रोताओं की भाषा में वो वाणी बन रही है, दूर भी सुनाई पड़ रही है, पास में भी सुनाई पड़ रही है। इस तरह से उस वाणी का जो अतिशय है उसी कारण से वह दिव्य ध्वनि कहलाती है। उस दिव्य ध्वनि को वचनात्मक कहा गया, वाणी कहा गया, और वह मुख से निर्गत होती है, हितकारी होती है, मधुर होती है, विशद माने स्पष्ट होती है, स्पष्ट वचन होते हैं। जिनके पास बुद्धि होगी उन्हें समझ आएगा। बुद्धि तो थोड़ी बहुत सबके पास होती है, जितनी होती है उतनी समझ आएगा, और जिनके पास जितनी अधिक होगी उन्हें उतना अधिक समझ में आएगा। तो भगवान के वचन स्पष्ट होते हैं और वे स्पष्ट वचन अपने अपने क्षयोपशम से वे श्रोताओं को ग्रहण करने में आते हैं। एक योजन तक भगवान की ध्वनि जाती है और उस एक योजन की ध्वनि में थोड़ा सहयोग मागध जाति के देवों का रहता है, जो आपको बताया था कि वह उस भाषा को चाहे यहां बैठा हुआ व्यक्ति सुने चाहे दूर बैठा हुआ व्यक्ति सुने, एक समान सुन सके, उसकी लाउड बिल्कुल एक समान हो। तो एक तरीके से वही कार्य मागध जाति के देव करते हैं, इसलिए आधा श्रेय उनको भी चला जाता है। ये भी एक आपको बताया था, इसलिए भी उसे अर्धमागधी कहा जाता है। एक ये भी अर्धमागधी का कारण था। पहले जो अर्धमागधी बताई थी वो बताई थी आपको कि आधी भाषा वो बाहर दूर तक प्रसारित करते हैं, ये भी कह सकते हैं, अथवा आधा श्रेय उन मागध जाति के देवों को उस भाषा को प्रसारित करने का मिलता है, इसलिए भी उसे अर्धमागधी कह सकते हैं, है ना। यूं नहीं कहना कि वो मगध जाति के मागध देश में वो भगवान तीर्थंकर विचरण करते थे इसलिए उसका नाम अर्धमागधी पड़ गया, वो मगध देश कहलाता है बिहार का एरिया। ऐसा कहोगे तो फिर महावीर भगवान की वाणी तो अर्धमागधी हो जाएगी, बाकी तीर्थंकरों की वाणी को अर्धमागधी कैसे कहोगे, क्योंकि सब बिहार में तो विचरण किए नहीं, दुनिया के सब देशों में विचरण किए। तो इसलिए ये तर्क उचित नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन यही तर्क आचार्यों ने दिया कि आधी वह भाषा अर्धमागधी के रूप में कही जाती है, क्योंकि मागध जाति के देवों का अतिशय उसमें शामिल हो जाता है और मागध जाति के देव भी उस भाषा को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, इसलिए उनका नाम भी उस वाणी से जुड़ जाता है, आधा श्रेय उनको जाता है, इसलिए वो भाषा अर्धमागधी भाषा कहलाती है। एक योजन तक जाती है और वह भगवान की वाणी सभी प्रकार के दर्शन मोहिनी जो कर्म है उसका नाश करने वाली होती है, माने भगवान की वाणी सुनते ही जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। इस तरह की वाणी की विशेषता को ध्यान में रखें और इसी भाषा को और आगे थोड़ा सा एक काव्य नंबर 66 से पढ़ते हैं। भाषा मयी च मधुरा च हितंकरी सा, सर्वाक्षरौघ सहितापि निरक्षरी स्यात्। सत्यात्मकानुभय वाक् युगलहि रूपेता,
भाषा महा लघु विभेद समस्त रूपा, भाषा मय है श्रवण मधुर है हितकारी, जिन वाणी है सकल अक्षरों से युत होकर भी निर अक्षर वाली है। भगवान की वाणी भाषामय है, भाषा माने उसमें भाषाओं का समावेश है। जो आप भाषाएं बोलते हैं, संस्कृत हो, प्राकृत हो, कर्नाटकी हो, महाराष्ट्री हो, हिंदी हो, ये भाषाएं कहलाती हैं। भाषामय वो वाणी होती है, श्रवण में मधुर होती है सुनने में, और हितकारी होती है सभी अक्षरों से युक्त होकर भी वह निरक्षर कहलाती है। निरक्षर क्यों कही जाती है? क्योंकि वह सभी भाषाओं के समूह रूप है। एक साथ सभी भाषाओं के समूह के साथ बोल पाना केवल और केवल जिनेंद्र भगवान के बस का काम है, दुनिया के किसी भी और वाणी प्रसारक का या व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। वह सर्व भाषामय निरक्षरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वह एक ही भाषा के अक्षरों से संबंध नहीं रखती। अनेक अनेक भाषाओं के से संबंध रखने के कारण से वह अक्षर सहित होकर के भी निरक्षरी है, यह उस वाणी का अतिशय समझना चाहिए। और इस प्रकार से जब वह निरक्षर और साक्षर दोनों रूपों में वह वाणी सामने आ जाती है, तब उसे सत्य और अनुभव वचन योग के साथ में आचार्यों ने कहा। चार प्रकार के योग होते हैं, सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग। वचन योग भी चार प्रकार के, मनोयोग भी चार प्रकार के। वचन योग की बात करें तो सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, फिर सत्य और असत्य दोनों प्रकार के उभय वचन योग कहलाते हैं, और जो ना सत्य हो ना असत्य हो उन्हें अनुभव वचन योग कहते हैं। तो भगवान के लिए जब अरिहंत बन जाते हैं तो उनकी वाणी के लिए केवल दो ही योग बचे रह जाते हैं, सत्य या अनुभव। उभय और मृषा ये दोनों प्रकार के वचन योग 12वें गुण स्थान तक चल सकते हैं, वहां छूट जाएंगे। 13वें गुण स्थान में संयोग केवली के केवल क्या रह जाएंगे, सत्य वचन योग होंगे या अनुभव वचन योग होंगे। अनुभव का मतलब जो न सत्य कह सको न असत्य कह सको, समझ में आ रहा है? जो सत्य भी हो और असत्य भी हो वह उभय हो जाएगी, और जो न सत्य है न असत्य है वो अनुभव है। वह अनुभव भाषा भी अपने आप में सत्य के निकट की भाषा मानी जाती है, वह अनुभव वचन योग कहलाता है। जो संकेतात्मक होता है, जैसे आमंत्रण आदि वाली जो भाषा होती है, ये अनुभव भाषा कहलाती है। नहीं समझे? ये क्या किया? कुछ बोला नहीं लेकिन समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं महाराज? तू इधर आके खड़ा हो जाएगा। ये हो गई अनुभव भाषा। सत्य में आप यहां आइए ऐसा कहना पड़ेगा, वो कहेगी सत्य भाषा। अनुभव भाषा को समझने के लिए भी हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए, संकेतों को समझने की हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, तो वो अनुभव भाषा समझ में आती है। हमने करा हूं और तुमने भी कर दिया हूं। नहीं समझे तो फिर उसका भी मतलब ही नहीं रहा। कई बार ऐसा हो जाता है। अब हमने करा हूं माने क्या कर रहे हो, और तुमने भी कर दिया हूं तो तुम हमसे पूछ बैठे क्या कह रहे हो। तो मतलब आपको हमारी भाषा
समझ नहीं आई, तो फिर अब वहां पर हमारी हूं काम नहीं करेगी, अब वहां पर हमें बोलना पड़ेगा। तो ये जो पाली भाषा होती है, आमंत्रणी, निमंत्रणी, याचना माने कुछ मांगना, कहना, आप्रच्छना, पूछना, ये सब अनुभव के साथ इसलिए जुड़ जाती है। ये अनुभव भाषा योग भी उनके योगों में विद्यमान है और सत्य योग भी उनके योगों में विद्यमान है। अब भगवान के अंदर सत्य और अनुभव दोनों योगों की सिद्धि करने के लिए हमें आचार्यों के बड़े अलग अलग अभिप्राय समझ में आते हैं। एक अभिप्राय तो ये समझ में आता है कि सत्य वह भाषा है और अनुभव भी वह भाषा है, दोनों रूप में वह भाषा इसलिए है कि एक आचार्य कहते हैं, जैसे गोमठ सार जीव कांड की टीका है उसमें आचार्य कहते हैं कि जब तक वह वाणी भगवान के कानों तक नहीं पहुंचती तब तक वह अनक्षरी होने के कारण से वह अनुभव वचन योग की सिद्धि करती है। जब तक वह कर्ण को स्पर्श नहीं करती माने तब तक वो अनुभव है, क्योंकि लोगों को कुछ भी समझ नहीं आई, जब कानों में प्रवेश कर गई तो उसको फिर उन्होंने उसका अभिप्राय समझा तो वो कहलाई सत्य, वचन योग की उससे सिद्धि होती है। एक अभिप्राय आचार्यों ने ये दिया, ये भी ठीक है। एक दूसरा अभिप्राय और हमें आचार्य वीरसेन महाराज जो धवला आदि सिद्धांत ग्रंथों में लिखते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सत्य वचन योग इसलिए है कि जो भगवान की वाणी आपको समझ में आ गई कि उन्होंने क्या कहा, वो आपके लिए सत्य हो गया वचन, और जो आपके लिए सुनने में तो आई लेकिन ये समझ नहीं आई कि ये क्या निकल गया, क्या कह गए, आप कहते हो ना बाउंसर हो गया, ऊपर से चली गई, इसी को बोलते हैं अनुभव वचन योग। ये बात दो तरह से आचार्यों ने शास्त्रों में अलग अलग जगह पर कही है, वो दोनों प्रकार के अभिप्राय आपके सामने रखे हैं। एक आचार्य कहते हैं कि वो तब तक अनक्षर है जब तक कानों तक नहीं आती, कानों से सुनने के बाद में वो अक्षरात्मक हो जाती है। और एक आचार्य कहते हैं कि वह अनक्षर इसलिए है क्योंकि वो अनेक भाषाओं का समूह है, आपको जिस भाषा में वो समझ में आ गई वो उस कारण से वह फिर सत्य हो गई आपके लिए, सत्य वचन योग के साथ काम कर गई। और जब वो अन्य जो और उसके साथ में मिला हुआ तत्व था, अन्य और जो उसके साथ में भाषाएं थी और उसके साथ में जो कंटेंट था वो सब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो क्या हो गई आपके लिए, वो अनुभव हो गई। एक ये भी तात्पर्य आता है। तो दोनों तरीके से उसे समझा जा सकता है, लेकिन भगवान में दोनों प्रकार के योग होते हैं, इसको भी समझा जा सकता है। और भगवान की भाषाएं अब देखो कितनी, वो जो आप पूजा में पढ़ते हो, दस अष्ट महा भाषा समेत लघु भाषा सात शतक सुचेत, समझ आ रहा है? हमने इतनी पूजाएं की नहीं है, तुम लोगों की पूजा सुन सुन के हमें याद हो गया। तो ये जो क्या कहा पंडित जी ने, वो बात जो शास्त्रों में लिखी है कि दस अष्ट महाभाषा समेत माने 18 महाभाषाएं होती हैं, कितनी 18, और 700 लघु भाषाएं होती हैं, उन सब भाषाओं में वह भगवान की वाणी होती है। इसलिए यहां लिखा है भाषा महा लघु विभेद समस्त रूपा, वह भगवान की वाणी लघु भाषा रूप भी है और महाभाषा रूप भी है। ऐसे सब प्रकार की भाषाओं को मिला करके वाणी को बोल पाना, ये आप समझो कितनी बड़ी चीज है। आज कुछ ऐसे तो एपरेटस बन गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक भाषा के शब्द को वो अनेक भाषाओं में रूपांतरित कर सकता है ना? लेकिन एक ही व्यक्ति या एक ही कोई भी कंप्यूटर या एक भी कोई भी एपरेटस सब भाषाओं को एक साथ बोल ले, ये आज तक पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे, दोनों में चीजें अंतर हो गया ना। एक व्यक्ति ही सब भाषाओं को मिला जुला करके एक साथ बोल जाए, ये कितनी बड़ी चीज है। इसलिए भगवान की वाणी दिव्य वाणी कहलाती है,
वह सामान्य मनुष्यों की वाणी से अलग हट करके उसकी प्रक्रिया चलती है, इसीलिए उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं, जिन वाणी कहते हैं दिव्य वाणी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब उस ये तो वाणी की विशेषता हो गई, वाणी में होता क्या है? तो धर्म का उपदेश होता है। किनके लिए होता है? सबके लिए होता है, श्रवणों के लिए भी होता है, श्रावकों के लिए भी होता है, और दो ही तरह के लोग होते हैं। श्रावकों की बात चल रही थी, थोड़ा समय इसलिए भी श्रावकों की बात चला रहा था क्योंकि श्रावक अगर अपने मन की बात, अपने मतलब की बात नहीं सुनेंगे तो कभी ये अपने मन को मजबूत बना नहीं पाएंगे। तो श्रावकों के लिए कह रहा था कि प्रतिमाओं का विज्ञान भगवान ने दिया, पहली प्रतिमा से श्रावक पने की शुरुआत होती है। आप कहते जरूर हो ये सब श्रावक बैठे हैं, श्राविकाएं बैठी हैं। सिद्धांत की दृष्टि से श्रावक उसे कहा जाता है जो एक प्रतिमा को धारण करने वाला हो, जैसे दर्शन प्रतिमा के व्रत उसके पास हो। और दर्शन प्रतिमा में क्या आता है? शुद्ध भोजन पानी करो, बस इतना ही। बाहर की कैंटीनों का, बाहर के होटलों के टिफिनों का, बाहर के पार्टियों का, भोजन शुद्ध छने हुए पानी से बना हुआ हो, वही आपको पीना है, वही भोजन करना है। बाकी सब चीजों के लिए आप कुछ भी यूज करो अलग मैटर है, लेकिन भोजन करने और पानी पीने के लिए आपका जल जीवाणी की शुद्धि के साथ में होना चाहिए। ये अगर आपके लिए पल जाता है तो इसी का नाम एक प्रतिमा के व्रत कहलाते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कल से जब हमने बातचीत की है तब से, है ना, तो और क्लियर कर देते हैं उसको। दर्शन प्रतिमा का लोग ये समझते हैं भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है, पता नहीं कहां कहां की धारणा बना लेते हैं लोग। भगवान के दर्शन होना हो लेकिन भगवान ने जो वाणी बोली है उसका दर्शन अगर प्रतिदिन होगा तो ट्रेन में बैठे बैठे भी आपकी दर्शन प्रतिमा पल जाएगी। क्या समझ आया? दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान की वाणी को आत्मसात करना। आप अगर प्रतिमा का संकल्प लिए हुए चल रहे हो, भले ही आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको दर्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मन में तो आप दर्शन कर सकते हो ना भगवान का। कोई भी मंदिर का दर्शन आप मन में रख करके जाप कर सकते हो, भगवान के गुणों का स्तोत्र पढ़ सकते हो, सहस्रनाम का पाठ कर सकते हो, किसी भी तरह से भगवान की स्तुति कर सकते हो, सब दर्शन ही कहलाता है। दर्शन इतना जरूरी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। जरूरी है हाथ में लोटा छन्ना और डोर लेकर के चलना। पता ही नहीं लोगों ने क्या डेफिनेशन पलट रखी है, अपने अपने मन की सब बातें श्रावकों ने बना रखी है। महाराज दर्शन नहीं होंगे तुम्हारी प्रतिमा कैसे पलेगी? मैं कह रहा हूं दर्शन नहीं होंगे तो भी आपकी प्रतिमा पलेगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोटा छन्ना डोरी लेके साथ में चलो। पहले मैं सुना करता था बुंदेलखंड के श्रावकों की ये पहचान रहा करती थी, जिसके हाथ में लोटा छन्ना डोरी हो समझ लेना वो पक्का जैन है। आज क्या है, बोतलें पकड़े रहते हो बिस्लरी की। ये तुम सब लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए तो अब काय का धर्म बचेगा? एक श्रावक कहलाने की हैसियत तो अपने अंदर बनाओ, इसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये आपकी पहचान बनना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आज कुओं की कहीं पर भी कमी नहीं है। वो जमाने गए जब बातें करते थे लोग अनर्गल, कुएं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, आज सब जगह स्वच्छ पानी मिल रहा है। जिंदगी भर से कुएं का पानी पीते चले आ रहे हैं, कोई मर नहीं गए हम साधु लोग। इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग कहते हैं पानी गंदा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। अरे जो पानी छनने के बाद में बॉयल हो जाएगा वो पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं बचते। वो पानी कितना ही तरीके से कोई भी पानी होगा, वो पानी अपने आप में बहुत शुद्ध प्राशुभ पानी माना जाता है। और यही आचार्यों ने कहा है, आरओ का पानी कभी भी शुद्ध नहीं होता, उसमें तो आप बैक्टीरियाओं को मारते हो और वो मरे हुए बैक्टीरिया जो जीव होंगे उसी में मिक्सअप हो गए। लेकिन जैन धर्म के अंदर ये सिखाया जाता है पहले आप उनको छान लो और जो शुद्ध जल बचे उसको फिर आप बॉयल करो, उसके बाद में वो बिल्कुल वह वाटर प्योर वाटर कहलाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया कभी नहीं होते हैं।
इस तरह का विज्ञान जो आचार्यों ने दिया तीर्थंकरों से चला आ रहा है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी दर्शन प्रतिमा आज भी पलेगी। बहाने बनाने वालों के लिए तो बहानों का कोई अंत है नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे, आपको शुद्ध जल मिलेगा, कुएं का पानी मिलेगा। कुआ नहीं है, कहीं पर नदी हो, बहता हुआ पानी हो, झरना हो, आप उसके भी पानी को लेकर के छान करके उसका यूज भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तालाब वाला जो रुके हुए पानी होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। शुद्ध पानी बहता हुआ पानी माना जाता है। झरने का पानी, नदियों का पानी, इस तरह के बड़े बड़े स्रोत जहां पर पानी के निकल रहे हों, आप उसके छानिए, जीवाणी कीजिए, उसी में डालिए, अपना पानी लीजिए, उसको थोड़ा प्रासुक कीजिए, अपने काम में कर लीजिए। आज सब प्रकार के साधन है। आपको अगर कहीं यात्रा करने जाना है दो दिन की, 20-20 लीटर के आपके पास में टंकियां होती हैं, लोग उसको भी लेकर के चलते हैं। दुनिया के माल ढोते हो बिजनेस के लिए, अपने लिए एक कैन 10 लीटर की, 5 लीटर की लेकर के नहीं चल सकते? इसमें शर्म आती तुमको? धर्म का पालन करना है तो किसकी शर्म? हमें अपना पानी पीना है, अपना शुद्ध पानी पीने के लिए। हम आज सुबह से शाम तक कितना पानी पियोगे बताओ? 5 लीटर पानी में तुम कहां से कहां तक नहीं पहुंच जाओगे। वहां जाकर के फिर दूसरा पानी चेंज कर लो। 24 घंटे की मर्यादा के साथ में आपका पानी चल सकता है आराम से कहीं तक। दूसरी जगह गए, वहां पर फिर अपना नया पानी ले लिया, अपना नया पानी भर लिया, आगे की यात्रा में शुरू कर दिए। दुनिया में यात्रा लोग कर रहे हैं, कितने ब्रह्मचारी अभी सब ब्रह्मचारी गए हैं, यहां से दुनिया में घूम रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, समझ आ रहा है? और कहां जाना है आपको बताओ? सब जगह पर सब तरह की सुविधाएं हैं। अगर आपको धर्म करना है तो अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किट्टी पार्टी में ही मजा आता है, और अगर आपको जो है सब तरीके के जो ये होटल की पार्टियां होती हैं जिनमें बफे सिस्टम चलते हैं और वही सब गिद्ध भोजन करने में मजा आता है, तो फिर अपना धर्म अपने पास रखो। समझ आ रहा है ना? अगर श्रावक बनना चाहते हो तो दर्शन प्रतिमा को ग्रहण करने का भाव करना सीखो। श्रावक की कैटेगरी में वो ही आएंगे जो दर्शन प्रतिमा को लेंगे, ये ध्यान रखो। अन्यथा आप एक सामान्य से हाउस होल्डर हो, गृहस्थ हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। भले ही कहते रहो हम जैन है जैन है। इस दर्शन प्रतिमा के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे लिए व्रत, सामायिक आदि सब चलते हैं। कल आपसे 8वीं प्रतिमा की बात कर रहे थे, आरंभ त्याग प्रतिमा। उसी को और आगे बढ़ाते हुए हमें समझना है कि आरंभ त्याग प्रतिमा होने पर अभी उसने परिग्रह का त्याग नहीं किया। कल एक प्रश्न और अच्छा आया था भैया की तरफ से कि जिनको पेंशन मिल रही है तो उनके लिए तो पैसा आ रहा है, पेंशन बढ़ रही है, मिल रही है तो पैसा तो बढ़ेगा, आएगा, तो वो उसका यूज कैसे करेंगे? अभी उस आरंभ प्रतिमा त्यागी ने परिग्रह का त्याग नहीं किया है, आरंभ के स्रोतों को रोक दिया है, बड़े बड़े स्रोत रोक दिए हैं। अब जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8वीं प्रतिमा वाला भी वह आरंभ त्याग करके पेंशन ले सकता है। पेंशन को लेकर के जितना उसके लिए अपने जीवन के लिए उपयोगी होगा उससे अपना जीवन चला सकता है, दूसरे घर वालों को किसी को देना हो उसको दे सकता है, उसको लगे कि ये अधिक है तो उसके लिए अच्छे अच्छे कहीं पर दान के जहां पर साधन होते हैं सत्पात्रों को दान देने के, वहां पर वह मंदिर आदि के निर्माण में जिन धर्म की प्रभावना में उस दान को लगा करके वह अपने धन का सदुपयोग करे। इस तरह से वह आरंभ त्यागी भाई आगे बढ़ सकता है। और जब इस तरह के आरंभ का त्याग करके उसके पास में परिग्रह पर भी दृष्टि जाती है, अब हमें परिग्रह को भी छोड़ना है। सुन रहे हो? अब मैं छोटी बातें नहीं कर रहा हूं, वो अड़ू व्रत और वो परिग्रह परिमाण व्रत, वो तो मैं पहले बहुत कह चुका हूं और पुराने प्रवचनों से सुन लेना। सुन रहे हो? मैं बड़ी बातें कर रहा हूं ताकि बड़ी कहूंगा तो कुछ छोटी सी आपको समझ में आएगी। गृहस्थ भी परिग्रह का त्यागी होकर के घर में रह सकता है। इन बातों पे कोई जोर नहीं देता, हमेशा आचार्य महाराज कहा करते हैं घर में रह करके लोग 8वीं 9वीं प्रतिमाएं नहीं पालते हैं, जबकि ये पालन करना चाहिए। घर में रह करके परिग्रह का त्यागी होना, अब यहां पर परिग्रह का सीमांकन नहीं है, सीमित नहीं कर रहे हो कि हमें 50 साड़ी रखनी है, कि हमें 10 किलो चांदी रखनी है, समझ आ रहा है, कि हमें 1 किलो सोना रखना है,
यहां पर परिग्रह का अब त्याग हो रहा है। ये परिग्रह का परिमाण तो था दूसरी प्रतिमा में, परिग्रह के परिमाण के साथ में वो आगे बढ़ता चला जा रहा था दूसरी प्रतिमा से, अब यहां आते आते क्या हो रहा है, वो परिग्रह त्याग प्रतिमा, इसका नाम क्या है? आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में कहा, बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्व मुसृज्य निर्ममत्व रतः स्वस्थ संतोष परः परिचित्त परिग्रहाद विरत। क्या कहते हैं, श्रावक कैसा हो जाता है जो इस परिग्रह त्याग प्रतिमा को धारण करने वाला होता है, दस प्रकार के जो बाहरी परिग्रह होते हैं उनसे अपने ममत्व को छोड़ देता है। दस प्रकार के बाहरी परिग्रह जो आप जानते हो, क्षेत्र वास्तु धन धान्य, यही सब दस प्रकार के परिग्रह। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।